आईआईटी कानपुर, आप लोग हमारा गौरव, हमारे चुनिंदा बच्चे हैं जो एक टफ कंपटीशन के जरिए अपनी हिम्मत, अपनी शुजात, अपनी मेहनत के बूते पे यहां पहुंचे हैं और आपसे हमको बहुत उम्मीदें हैं। आपके अंदर हम अपने देश के फ्यूचर मिसाइल साइंटिस्ट देखते हैं, हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स देखते हैं, जो हमारे लड़ाकू विमान, हमारे जेट बॉम्बर्स, हमारी तोपें, हमारे मिसाइल इत्यादि बनाएंगे। और हमें पक्का यकीन है कि आने वाले दिनों में हम एक टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में, एक टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति के रूप में भी उभर कर आएंगे। और वो इसीलिए होगा क्योंकि आप सबने देखा है साइन कर्व। You all are familiar with the sine curve? Yes. So any wave that goes up must come down. And any wave that has been kept down for 10,000 years will rise. And it is on the rise. The wave of the Indian civilization, Bharatiya Sabhyata ki wo leher, जिसे पिछले 10 सेंचुरी से, 1000 वर्षों से हर आताताई में आके कुचला था। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, कहां गया आपका सोना? कहां गया आपका सोना? ऊंटों पे लाद लाद कर यहां से आपके, आपका सोना, आपकी औरतें, आपकी इज्जत, सब कुछ लेके जो भी आक्रमणकारी आया चला गया। मैं अभी उज्बेकिस्तान से वापस आ रहा हूं, वहां की जब मुझे मदरसा मस्जिद दिखाई दी तो सब में सोने का था, और धीरे से वो गाइड कान में बोलता है, सब आपकी जगह से आए। तो हम भारतीय, ये जो वसुंधरा है, ये जो धरा है हमारी, बहुत उपजाऊ धन धान्य की कभी कमी नहीं रही इस देश में, कभी कमी नहीं रही। उदार हृदय के लोग रहे, दूध घी की नदियां यहां बहती थी, लेकिन हम लोग अपना बचाव नहीं कर सकते थे। हमारी नीतियां बिल्कुल रक्षात्मक, रिएक्टिव, डिफेंसिव। और अगर आप उसका आखिरी उदाहरण चाहते हैं तो जब नादिर शाह की फौजें दिल्ली की ओर बढ़ रही थी तो दिल्ली में उस वक्त कथक का नाच हो रहा था। राज दरबार में, मुगल दरबार में कथक का प्रोग्राम हो रहा था, तो बोले साहब नादिर शाह की फौजें फला फला गांव तक पहुंच चुकी हैं। तो वो जो एम्परर था उस वक्त, जो उस वक्त राजा था, उसने क्या बोला, अब दिल्ली दूरास्त, अभी दिल्ली बहुत दूर। बोले साहब यहां पहुंच गई, अभी दिल्ली दूरस्त, यहां पहुंच गई, अभी दिल्ली दूरस्त। 3 बड़ी लड़ाइयां हुई हैं दिल्ली के लिए। कहां लड़ाई लड़ी गई? पानीपत में, जहां महाभारत लड़ी गई। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान वही पानीपत का मैदान। 3 की 3 लड़ाइयां भारतवर्ष के लिए आपने पानीपत में लड़ी, और उन 3 लड़ाइयों में केवल एक चीज कॉमन है, आप 3 लड़ाइयों में मार खाए, आप पिटे। क्योंकि दुश्मन को अपने घर में आके जो लड़ते हैं, सांप को क्या घर में आने दिया जाता? इसको पहले दरवाजे के बाहर मारिए। एक बार तुम्हारे घर में घुस गया तो किस टेबल के नीचे, किस कुर्सी, किस बिस्तरे के नीचे है आप छापते रह जाएंगे, रात की नींद आपकी हराम हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम रही है हमारा ये उदारवाद, हमारा ये अगर तुम्हें कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरी गाल आगे कर। बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अब छात्र भाव का आना बहुत जरूरी है। मैं सन 2008 में रिटायर हुआ सेना से 37 साल की नौकरी के बाद, और मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरी ज्यादातर नौकरी फायर के नीचे गुजरी। जिंदा एमिनेशन AK-47 मेरे मुंह पे चली, एक बार नहीं हजारों बार चल चुकी, मेरे दाएं
और मेरे भाई लोग शहीद हुए, मैंने उनके हाथ पकड़े जब वो अपनी आखिरी सांसें दे रहे थे। और अगर एक बार आप एक इंसान जो आपका साथी था, आप हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें, जब आंखें बंद हो रही है तो आप पूरी जिंदगी के लिए बदल जाए, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन, यू कैनॉट बी द सेम एंड इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। मुझे कई बार ये बोला जाता है, जन साहब आप इतने बूढ़े हो गए लेकिन आपका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। गुस्सा तो बढ़ेगा क्योंकि मैं लड़ चुका हूं इस देश के। मैं फिर कहता हूं और मैं डबके की चोट के साथ कहता हूं कि सेना में भी गिने चुने अवसर है जितना मेरा कॉम्बैट का तजुर्बा है, लड़ाई का। लगातार सालों साल मैं पंजाब में लड़ा हूं, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन मैंने सिख ट्रूप्स के साथ वहीं पे जब वहां बगावत हो गई थी 1985 की बात कर रहा हूं, सिख ट्रूपों के साथ मैं वहां के आतंकवाद, सिख आतंकवाद से लड़ा हूं जो वहां पे खालिस्तानी आतंकवाद हुआ। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शायद ही मुझे किसी जवानों से इतनी इज्जत मिली।